हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास सिक्स का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। दोस्तों हमने इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इस चैप्टर में जो है राम जीवन की कहानी दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर दी गई है भीमराव अम्बेडकर की कहानी। ओके, फिर यहाँ पे एक कविता भी दी गई है। दोस्तों तो पहले हम कविता पढ़ते हैं। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी हैं एक जाति हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है तो फिर ना क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने हैं मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। तो यहाँ पे एक कविता है जिसमें कि भेदभाव जो होता है समाज में उसके बारे में लिखा गया है कि लहू का रंग यानी हमारा खून जो है एक ही कलर का होता है, लेकिन फिर भी हम सब के बीच भेदभाव किया जाता है, तो उसी पे ये कविता लिखी गई है। दोस्तों अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? तो जब आप इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं अभी आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर जो है बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका आंसर भी लिखा है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? राम जीवन अपने दोनों बेटियों के अपेक्षा बेटे के रहन सहन पर अधिक ध्यान देता था। बेटियां घर का सारा काम भी करती थी और पढ़ाई भी खुद से ही करती थी, जबकि बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच भिन्नताओं के कौन कौन से आधार हैं? व्यक्तियों के बीच भिन्नताओं का आधार अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्ण और दलितों, महिलाओं और पुरुषों एवं काले एवं गोरे का है, यानी कि इन्हीं आधारों पे जो है भेदभाव किया जाता है। मान लीजिए कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत ऊंचे जाति का है और कोई नीचे जाति का है, कोई महिला है कोई पुरुष है, तो इन्हीं आधारों पर भेदभाव किया जाता है व्यक्तियों के बीच में। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जितने भी आंसर्स बता रही हूँ ये सारे आपके बुक में दिए गए हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे विविधता की समझ, तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 नंबर में है, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? तो आंसर हो जाएगा, बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे कि मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे के बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और त्यौहारों आदि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह की विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वो जो है हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। फिर 6वें नंबर में है, दो व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भेदभाव के विरुद्ध जो है कार्य किया। भीमराव अंबेडकर का जो चित्र है ये तो आपके बुक में ही दिया गया है, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भीमराव अंबेडकर का चित्र दिया गया है। और महात्मा गांधी का चित्र तो आपने देखा ही होगा।
फिर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, पांच लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो पहला क्या हो जाएगा, कल्पना चावला, दूसरा बछेंद्री पाल, अंजुम चोपड़ा, पीवी सिंधु और अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों कल्पना चावला जो है वो भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। एंड दोस्तों यहाँ पे बछेंद्री पाल है, तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कदम रखा है। अंजुम चोपड़ा भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। पीवी सिंधु जो है वो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अवनी चतुर्वेदी जो है वो लड़ाकू विमान की पायलट हैं, ठीक है, वो लड़ाकू विमान उड़ाती है वो भी अकेले। तो ये पहली भारतीय ऐसी महिला है जिसने लड़ाकू विमान उड़ाया है। तो ऐसे ही और महिलाओं का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान और मिताली राज, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, इस देश के लिए ऐसे काम किए हैं जिससे कि इस देश को उन पर गर्व हो। तो दोस्तों हमारा अध्याय एक यानी विविधता की समझ यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 स्टार्ट करें हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।